हेलो, मैं मंजू शर्मा। दोस्तों, मेरी छोटी सी विज्ञा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेरिस गार्डनिंग। ये मेरे टमाटर के पौधे हैं छत में, टेरिस में। इसको मैंने एक टैंकी में लगा रखा है, तो आप देखिए इसमें कितने सारे टमाटर हो रखे हैं। ये टमाटर के बीज, जैसे हम कई बार टमाटर ले आते हैं मार्केट से, कुछ टमाटर हमारे ख़राब आ जाते हैं, उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये अक्टूबर में मैंने डाले थे सर्दियों में। अब देखो 3-4 महीने हो गए, इसके पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इस गमले के अंदर कम से कम 5-6 पौधे हैं और इनमें खूब ज़्यादा टमाटर हो रखे हैं। आप देखिए, ये देख काफ़ी टमाटर तो गर्मी आ गए, तो पक भी रहे हैं। इसमें मैंने नॉर्मल मिट्टी डाली थी और खाद डाली थी, बाकी पानी इसमें सर्दियों में तो मैं कम डालती थी, क्योंकि टमाटर के पौधों को धूप ज़्यादा चाहिए, धूप में ज़्यादा होते हैं। छाए वाले एरिया में इसके पौधे ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए टमाटर के पौधों के लिए हमेशा धूप ज़्यादा चाहिए, पानी कम चाहिए। तो अब जैसे मार्च का महीने आने लगा है, तो इसमें काफ़ी टमाटर लग रहे हैं, काफ़ी फूल आ रहे हैं। देखिए आप कितने सुंदर इसके टमाटर के पौधे हो गए हैं। और इसमें काफ़ी टमाटर की अलग अलग वेराइटियाँ हैं, अलग अलग किस्म की इसमें वैरायटी हैं। कुछ बड़े टमाटर हैं, कुछ देसी हैं, कुछ सलाद वाले हैं। तो कभी कभी हम अपने छत में से टमाटर तोड़ के इसकी चटनी बना लेते हैं परांठे के साथ। काफ़ी टमाटर की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। अब देखिए कितने सारे आ रहे हैं, हर हफ्ते 1.25 किलो टमाटर इसमें से निकल जाता है चटनी के। ये देखिए फूल भी काफ़ी आ रहे हैं, जितने इसमें फूल आते हैं उतने टमाटर भी होते हैं। कुछ फूल गिर जाते हैं, कुछ फूल सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी आ गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए थोड़ी मेहनत से हम लोग अपने घर पे ही अपनी कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। टाइम पास भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है इन चीज़ों से, देख सकते हैं। ये देखिए मार्च का महीना आने वाला है, मार्च का महीना चल रहा है, तो ये टमाटर तो इसमें खूब आ रहे हैं, लेकिन टमाटर के पत्ते भी अब धीरे धीरे पीले हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई तक ये चलेंगे, उसके बाद ये इतना चलेगा नहीं टमाटर। उसके बाद मैंने इसमें तोरी के बीज डाल रखे हैं, लौकी के बीज डाल रखे हैं। तो उसके बाद इसमें छोटे छोटे जो मैंने बीज डाले थे लौकी के, तोरी के, वो भी उगने स्टार्ट हो गए। फिर मैं टमाटर के पौधे निकाल दूँगी, इसमें तोरी की बेल और लौकी की बेल आ जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने इसमें तोरी बोई थी, काफ़ी तोरी हुई थी। अभी सर्दियों में मैंने इसमें पालक, धनिया, मेथी बोई थी, काफ़ी 3-4 मैंने पालक धनिया हमने खाया है। पालक की पकौड़ियाँ बनाई हैं, पालक कड़ी बनाई है, खूब अच्छे पालक का यूज हुआ है। तो देखिए आप कितना अच्छा लगता है, ये देखिए कितने फूल भी आ रहे हैं इसमें। ये देखिए आप भी अपने छत में अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। ये देखो टाइम पास तो होता ही है, फिर काफ़ी खुशी भी हमें होती है अगर हम कोई चीज़ करते हैं उसका हमको रिजल्ट अच्छा मिलता है। टमाटर का तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने सोचा भी नहीं था कि हर हफ्ते इसमें से 1.5 किलो टमाटर निकल जाते हैं। अभी भी काफ़ी टमाटर हो रहे हैं इसमें, काफ़ी कुछ पक जाते हैं, कुछ नए हो रहे हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, टमाटर के पौधे के लिए आपको जिसको धूप में ज़्यादा रखना है, पानी थोड़ा कम देना है, खाद दीजिए इसको, बाकी कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। क्योंकि तो आपको पता है टमाटर के पौधे तो आप ज़मीन में भी लगाते तो काफ़ी 1-2 पौधे उसके लिए जगह ज़्यादा खुल लीजिए और खूब फैल जाता है और एक ही पेड़ से काफ़ी टमाटर निकल आते हैं। तो ऐसी कोई वही नहीं कि तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बस ट्राई कीजिए, आप भी लगाइए। ओके, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसको शेयर करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।